हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। बेसिकली थर्ड पार्टी मीन्स आप दो लोगों के बीच में कोई तीसरे का आ जाना या किसी तीसरे के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाना, इसे थर्ड पार्टी सिचुएशन कहा जाता है। ठीक है, ये तीसरा कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये तीसरा आप दोनों के बीच में जो भी तीसरा इंसान है, वो उनके दोस्त हो सकते हैं, वो उनके फैमिली के कोई हो सकते हैं, कोई भी पर्सनालिटी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आए हैं या हो सकती हैं, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, और उनके रिलेटेड मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। बेसिकली मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग ये रीडिंग पसंद नहीं है, ये टॉपिक मैं जितना हो सके अवॉइड करती हूँ। उसका कारण ये है कि कभी कभी अगर कुछ पॉजिटिव आ जाता है ना थर्ड पार्टी और इनके बीच में, तो आप लोगों का मन थोड़ा निराश हो जाता है। बट काफ़ी लोग अब कमेंट में बार बार मुझे वही भेज रहे हैं कि दीदी प्लीज़ एक बार वो कर दो आप थर्ड पार्टी के रिलेटेड, तो मैंने उसके कारण आप लोगों के लिए ये करना ज़रूरी समझा। ठीक है, लेकिन ये रीडिंग मैं पिक अ कार्ड रीडिंग जानबूझ के नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग की जाएगी जिसमें हम ओवरऑल चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी और उनके बीच क्या चल रहा है। बीच बीच में कुछ चीज़ों की एडवाइस दूंगी, हो सकता है वो आपके काम आ जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के लिए हावी पोजीशन पे होगी, हैवी पोजीशन पे होगी, तो उसे कैसे थोड़ा लो पोजीशन पे लाना है वो भी मैं थोड़ा बहुत गाइड कर सकूंगी, मतलब कोशिश पूरी करूंगी देने के लिए। ठीक है, सो वीडियो का एक एक पॉइंट ध्यान से देखें। ओके, अब मैं चाहूंगी कि आप अपने गुरु ईश्वर जिनका भी ध्यान करना चाहे करें, और ये रीडिंग कलेक्टिव होगी, साथ ही साथ टाइमलेस भी होगी। और उसके अलावा जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सबके लिए बनी हुई हो, सबको रिजोनेट करे ये जरूरी नहीं, हर किसी के लिए अलग डिफर कर सकता है। ठीक है, किसी को कन्फ्यूजन है कि ये सच में हो रहा है या नहीं, तो वो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, उसके चार्जेस लागू होते हैं, और उसके लिए डिटेल्स आप वीडियो पे देख सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर दिया गया है, कॉलिंग का नहीं। ठीक है, व्हाट्सअप करना होता है, व्हाट्सअप करते ही आप जो है अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी के लिए जरूरी नहीं, कुछ लोगों को अगर यही सही लग रहा है, यही रिजोनेट हो रही है, तो बस काफी है इतना। ठीक है, सो यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, टू ऑफ पेंटिकल्स, ओवर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है जिनसे आप डील कर रहे हो वो लिब्रा, एक्यूरियस, जेमिनी हो सकती है। एयर साइन बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रही है। काफी लोगों के लिए मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई दे रहा है। एक मिठा, मैं थोड़ा इसको आगे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को कार्ड्स रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, सो मुझे काफी हद तक दिखाई दे रहा है ये साइन आपकी नहीं है या आपके पर्सन की नहीं है, तो हो सकता है उस थर्ड पार्टी की हो। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकते हैं, लड़का लड़की कोई भी पर्सन हो सकते हैं, इन्वॉल्व है, और आपके पर्सन भी लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं। आपका फोकस सिर्फ ये एनर्जीज पे होना चाहिए, मैं बोलने वाली थी आपका फोकस सिर्फ थर्ड पार्टी पे होना चाहिए, नहीं, आपका फोकस सिर्फ एनर्जीज पे होना चाहिए। ठीक है, मुझे काफी हद तक दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ऑलरेडी जो हाल आपके साथ लगाकर बैठे हैं, जो मतलब जगलिंग आपको लेकर चल रही है इनकी लाइफ में, यानी कि निर्णय ना ले पाना, कभी आना कभी जाना, लाइक गोस्ट कर देना, कभी बोलते ना अपने मन से चले आना, अपने मन से चले जाना, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट किए रखना, मतलब बार बार जिससे आपको लगता है कि अरे क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, हमेशा कन्फ्यूज रखते हैं, ये सेम सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी के साथ भी इनकी चल रही है। ठीक है, सेम सिचुएशन सेम मुझे दिखाई दे रहा है, उनके साथ भी उनकी जगलिंग चल रही है, सेम वही है कि वो कन्फ्यूज है आपके पार्टनर की एग्जैक्टली वो क्या करें, इनको चुने या आपको चुने, क्या इनका चुनाव सही है, क्या इनका इनके साथ रहना, थर्ड पार्टी के साथ रहने का चुनाव इन्होंने सही लिया, कहीं निर्णय में कोई गलती तो नहीं हो गई इनसे। यूनिवर्स टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्लैरिफाई करें। दी हर्मिट, यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इसीलिए इनको ये लग रहा है लाइक कंफ्यूजन इसलिए बनी हुई है क्योंकि ये इस वक्त किसी एंजाइटी या डिप्रेसिव एनर्जी से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे इनको बहुत अकेलापन फील हो रहा है, कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी शायद इन्हें ध्यान नहीं दे रहे हैं किसी तरीके से। यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं, ये क्यों उदास है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों उदास है, थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी क्या कर रहे हैं उनके साथ, एक सेकेंड। हाँ, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल को एक और बार क्लैरिफाई करें यूनिवर्स।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पॉसिबिलिटीज है कि थर्ड पार्टी के लाइफ में या कोई और पर्सन है, या थर्ड पार्टी के लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, वो पैसों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं आपके पर्सन से कंपैरेटिवली, उनके लिए पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, या किसी तरीके का डिस्ट्रैक्शन मुझे इनकी लाइफ में दिखाई दे रहा है, आपके नहीं आपके पार्टनर के नहीं आपके थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई चीज के कारण ये डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिसके कारण आपके पर्सन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और ये मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके जीवन में थर्ड पार्टी कुछ खास खुश नहीं है आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ कुछ खास हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि दोनों ही अपनी अपनी जगह अपनी अपनी एनर्जी में बहुत उदास हैं, अपसेट हैं। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये चाहते हैं लाइफ में आगे बढ़े, इनके सामने पॉसिबिलिटीज है कि प्रपोजल आ भी चुका है, या कह सकते हैं ये पैसों को ध्यान देना चाहते हैं, लाइक लाइफ में बहुत सारी इच्छाएं इनकी थर्ड पार्टी की जो पूरी नहीं हो पा रही है। वहीं आपके पर्सन का भी वही हाल है, वो कंफ्यूज्ड है अपने चुनाव को लेकर, उनको ऐसा लग रहा है देख के कि जैसे वो अब वो दुविधा में आकर खड़े हो गए जहां पे उनको से लग रहा है कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया, यानी कि आपको छोड़ने का फैसला कहीं उन्होंने जल्दबाजी में तो नहीं ले लिया, कहीं बेवकूफियां तो नहीं कर ली, कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई उनसे। यूनिवर्स मुझे फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। एक फ्रेश स्टार्ट मुझे इनके कार्ड्स में कहीं ना कहीं मिसिंग लग रहा है। यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से अपना बेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, लाइक ओके करने के लिए वो अपनी तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, जितने भी उन्हें एफर्ट डालने चाहिए रिलेशनशिप में वो अपना तरफ से बेस्ट करते जा रहे हैं, झुक रहे हैं, कहीं कहीं कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं या कर रही हैं। पर थर्ड पार्टी भी मुझे सेटिस्फाइड नहीं दिखाई दे रहे, थर्ड पार्टी जैसे मुझे लग रहा है जैसे उनसे नाराज है या उनसे अपसेट है, उनसे कुछ खासा खुश नहीं है, उनको किसी तरीके की या तो पनिशमेंट दे रहे हैं या इनकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन है। मुझे काफी अगर लोगों के लिए कहा जाए, अगर बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के बीच आ गया, क्योंकि आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी थी देख के जलसी में, तो पॉसिबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है कि आप थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और पर्सन इन्वॉल्व हुआ है, या कोई और पर्सन जो है इनका उनका ऑफर इनको आ गया, या किसी और पर्सन से ना अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये इनकी फैमिली है लाइक माता पिता टाइप के, तो पॉसिबिलिटीज है कि या तो उनको डवरी या पैसे कहीं से ऑफर हो रहे हैं बेटे के बदले में, बोलते हैं ना कि बेटा दिया और शादी वादी कराई तो पैसा, या बेटी के बदले में कुछ मतलब बेनिफिट है, समथिंग मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा बेनिफिट है या कोई ऐसा फायदा है या कोई ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिससे थर्ड पार्टी जो है माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं और उनकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना देना चाहिए। कई हद तक मुझे इनके रिश्ते में ना झूठ बहुत दिखाई दे रहा है, झूठ, फरेब, चीटिंग, धोखा, बैकस्टैबिंग, बेवकूफ बनाना, मैनिपुलेट करना, पॉलिटिकल चीजें बोलते हैं ना हथकंडे आजमाना। अगर बेसिकली इन दोनों के रिश्तों को अगर मैं नाम दूं ना इन दोनों के बीच के रिश्ते को, तो मैं ये कह सकती हूँ कि दोनों ही पॉलिटिकल पोजीशन पे हैं, कह सकते हैं, यानी कि बोलते ना पॉलिटिकल पोजीशन यानी कि क्या होता है, मतलब आमतौर पे कहा जाता है लाइक कहावत है, अब ये मत सोचना कि मैं किसी के लाइक फील्ड को ये कर रही हूँ कि भाई नीचा कर रही हूँ या नीचे लेवल पे कर रही हूँ, नहीं नहीं, ये आमतौर पे क्या कहा जाता है, वो वर्ड सुना है ना आप लोगों ने कि इसका माइंडसेट बहुत पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं कि ना नेताओं को अपनी बात मनवानी होती है तो वो अपने तरीके से ना पैतरेबाजियां करते हैं या मैनिपुलेट करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सही क्या है प्रजा के लिए। ठीक है, कभी कभी सही के लिए करते हैं, कभी कभी गलत के लिए करते हैं, बट इन दोनों के बीच में वही पॉलिटिकल माइंडसेट है, दोनों ही एक दूसरे को मैनिपुलेट कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी मुझे सच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं आपके पार्टनर भी झूठ बोल रहे हैं और वहीं थर्ड पार्टी भी झूठ बोल रहे हैं। यूनिवर्स सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चोरों के जैसे दोनों का रिश्ता चल रहा है, ये चोर के जैसे घूमकर निकलकर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, आपकी ताका झांकी करते हैं या लाइफ में किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं, वहीं थर्ड पार्टी के साथ भी वही चल रहा है, वो भी झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। दोनों के रिश्ते में ना एक लॉयल्टी कहीं ना कहीं मिसिंग है, दोनों के दोनों ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग मेरे व्यूअर्स हो, आप लोगों ने अगर मेरी बहुत टाइम से रीडिंग्स देखी है तो आप लोगों को पता होगा कि मेरे को जो दिखता है मैं वही बोलती हूँ, घुमा घुमा कर बात करना मुझे आता नहीं। इससे पहले भी थर्ड पार्टी की कुछ रीडिंग्स की थी जिसमें थर्ड पार्टी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन निकली थी जिसमें वो दोनों हैप्पी थे इनफैक्ट, तो मैंने वो भी रीडिंग आप लोगों के सामने शेयर की थी। ये रीडिंग में काफी क्लियर है कि ये दोनों ही दोगले हैं और दोनों के दोनों ही खेल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर नहीं खेल रहे, नहीं, आपके पार्टनर भी झूठ बोल रहे हैं, आपके पार्टनर भी बेवकूफ बना रहे हैं, वो भी कोई दूध के धुले नहीं है या दूध की धुली नहीं है। आपको लग रहा होगा कि वो आपके साथ सच्चे हैं, बट मैं बता दूं उन्होंने बहुत झूठ बोले हैं, बहुत मैनिपुलेट किया है आपको भी और थर्ड पार्टी को भी, और थर्ड पार्टी भी सेम पोजीशन पे है। दोनों के दोनों मुझे दिखाई दे रहे हैं कि बोलते ना कि पैतरेबाजियां जानते हैं, मतलब दुनियादारी उनको अच्छे से समझ में आती है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लारिफाई करें।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाप रे बाप, मुझे काफ़ी स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पिक्चर देख रही हूँ यार मैं। मूवी में होता है ना कि एक तरफ है घर वाली, एक तरफ है बाहर वाली, तो आपके पर्सन की लाइफ में आप भी हो और थर्ड पर्सन भी है, और साथ ही साथ थर्ड पर्सन की लाइफ में भी वो भी है और कोई और भी है। लाइक टोटल मुझे चार लोगों की कहानियाँ दिखाई दे रही है। तो अब एक अलग अलग इंसान के लिए डिफर करेगा, हर एक इंसान के लिए एक अलग अलग होगा, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे कि थर्ड पार्टी इन्हें चीट कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनका कोई कनेक्शन है बाहर कहीं, और अगर ये इनके माता पिता है तो भी वो उनसे झूठ बोल रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ वो लोग कर रहे हैं जिससे मतलब बोलते थे कि अगर थर्ड पार्टी लाइक दोस्त है या माता पिता या कोई कोई भी ऐसा इंसान जो इन्वॉल्व हुआ है तो भी वो कुछ झूठ बोल रहे हैं आपके पर्सन से, कोई ऐसी चीज़ है जिसमें उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनसे मतलब निकाला जा रहा है, और उसको बाद में सोच रहे हैं कि बाद में इसको लेट गो कर लेंगे, लाइक निकाल देंगे या पूछेंगे भी नहीं, लाइक ऐसा तरीका मुझे दिखाई दे रहा है। इन दोनों के बीच में ना मुझे बच्चा इन्वॉल्व दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटीज है या तो थर्ड पार्टी ने कंसीव किया होगा या बच्चे होंगे इन दोनों के बीच में, तो आपके पर्सन और ये जो है दोनों बच्चे के कारण कनेक्टेड हो सकते हैं, बट काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि बेबी का भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, या हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके और आपके बीच में मदर आ गए हैं, क्योंकि बेबी माँ और बेटे या माँ और बच्चे का मुझे काफी हद तक रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहा है, तो या तो बच्चा है या तो बेबी है, और या तो हो सकता है कि आपके पर्सन ही बेबी इमेच्योर जैसे हैं, मतलब बच्चों जैसे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए रिवर्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है चाहे कितना भी प्यार ना करते हो आपसे, मतलब कितना भी प्यार करें, कितना भी आप जो है उनके लिए इतना चीज़ें करो, लेकिन फिर भी ना ये थर्ड पार्टी की बात बहुत सुनते हैं। थर्ड पार्टी को उनको मालूम है कि बहुत मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी है, थर्ड पार्टी को लेकर ये कुछ खास ऐसे नहीं है कि इनको इनके मन में ऐसा ऑरा नहीं है कि अरे थर्ड पार्टी को जैसे देवी है या देवता है उसकी पूजा करूँ, दिखाते ज़रूर हैं बट मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। बट काफ़ी हद तक प्रॉब्लम यह है कि जब विश्वास करने की बात आए या किसी की बात मानने की बात आ जाए, किसी को बहुत ज़्यादा सुनकर चले, तो वो थर्ड पार्टी को सुनने लगते हैं। लाइक थर्ड पार्टी चाहे कितने भी डेविल माइंडसेट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन जो है उन्हीं की सुनते हैं, हर बार उनकी ही सुन रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनका गुरु ज्ञान बहुत जाता है उनके कानों में। अगर वो बोलेंगे कि ना ये देख ये बंदी ना या ये बंदा बहुत बेकार है तुम्हें लूट रहे, तो वो मान जाते हैं इन चीजों को। उनको पता है कि थर्ड पार्टी का स्वभाव कैसा है, फिर भी वो मान जाते हैं इन चीजों को। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे इविल माइंडसेट होता है ना, थोड़ा सा वैसा माइंडसेट है। उनको सोच के एनर्जी को क्लैरिफाई करें। थर्ड पार्टी को रूल करना आता है आपके पर्सन या पर्सनी पे, उनको अच्छे से बोलते हैं ना दबाव डालना आता है, वो अच्छे से कंट्रोल करना जानते हैं आपके पर्सन को। यस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत स्ट्रांगली ये बात को मानते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा लाइक बोलते हैं ना कनेक्टेड है। उनको डाउट भी होता है आज भी, उनको आज भी लगता है कि आप लोग दोनों कनेक्टेड हो, आप हो नहीं हो तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं, बट थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मुझे इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा या तो शक करते हैं या बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को कंट्रोल में रखते हैं। वो थोड़ा भी अगर बोलते ना बाहर उड़ने लगेंगे या थोड़ा भी ऐसा रहेगा ना कि लाइक बोलते ना बाहर इधर उधर टहलने लगेंगे, तो उसका भी इनको हिसाब देना पड़ता है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा लाइक आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव थर्ड पार्टी का है। चाहे कितने भी दोनों झूठे हो या मैनिपुलेटिव हो, लेकिन जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की देखी जाए तो वो बहुत कंट्रोल में है आपके पर्सन से, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब जब आप दोनों कनेक्ट करने की कोशिश करते हो ना, इनका ध्यान बहुत रहता है, या तो इन्हें एहसास हो जाता है या इन्हें कोई आभास हो जाता है, कोई ऐसी फीलिंग आ जाती है, गट फीलिंग इनकी स्ट्रांग हो जाती है कि ये होने वाला है या ये हुआ है या आप लोग मिलने वाले हो या ये बात कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं। लाइक होता है ना कि 24 घंटे एक इंसान के इर्द गिर्द घूमना, थर्ड पार्टी को मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाकी चीजों में वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन को पूछ भी नहीं रहे हैं, बट बाकी जो कंट्रोल करने की बात आती है ना तब अच्छे से कंट्रोल करते हैं। इनके ऊपर शक करना, इनके ऊपर सवाल जवाब करना, इनका आना जाना नोटिस करना, कितनी देर बात करते हैं ये, और काफी स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी कारण आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आपके पर्सन या पर्सन ही बहुत दिल से चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे, बहुत दिल से वो लोग चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यही उनकी दुनिया है, इनके साथ इनका वर्क करना, मतलब इनके साथ इनका रिश्ता चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके लिए ये बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं, इनके लिए ये पूरा बोलते ना जान लुटा देते हैं, सब कुछ करते हैं, और एकदम मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पगला जाता है या पगला जाती है। और कई बार क्या होता है ना कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि आप इनको कुछ भी समझा रहे हो अब उनके रिलेटेड, तो ये सुना अनसुना कर देते हैं, इनफैक्ट आपको ही अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। चलो कौन सी एनर्जी को क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, इन दोनों के रिश्ते में ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ भी बचा नहीं है, एक दूसरे से ना परेशान थके हुए हैं और टायर्ड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बर्डन फील कर रहे हैं। ये रिश्ता पता है कैसा है ना, ये रिश्ता ना पता है एक नॉट लगी हुई है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है।
वो नॉट में ना जैसे धीरे 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 मुझे लग रहा है खुद ब खुद ही वो नॉट खुलती चली जा रही है। ये क्यों खुल रही है? क्योंकि दोनों को ऐसा लग रहा है कि बहुत वजन आ गया है इस रिश्ते में, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। इनको बार बार जवाब देना, सवाल जवाब पूछना, थर्ड पार्टी का बार बार शक करना, लाइक थर्ड पार्टी भी तंग हो चुके हैं शक कर करके, वो भी इरिटेट हो गए क्योंकि उनका अपनी लाइफ में उनको ऐसा लग रहा है कि मेरा फोकस नहीं बैठ पा रहा है, या मैं लॉयल नहीं लॉयल इनकी लॉयल्टी को नहीं बोलते ना विश्वास कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ये इन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ट्रस्ट एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है रिश्ते में, और आपके पर्सन या पर्सन ही पे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आपके पर्सन या पर्सन ही को देखा जाए तो वहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो भी परेशान है, बार बार सफाइयाँ देते देते क्लैरिटी देते देते वो इरिटेट हो चुके हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में ना चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आप लोग दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन नहीं होती है या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होगी, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के रिश्ते से पहले अगर ये थर्ड पार्टी का कनेक्शन देखा जाए तो इन दोनों के बीच में भी कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा है। जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई करें रिवर्स। ओके जाने दीजिए, एक कॉल आ रहा था मैं सोचा उठा लेती हूँ, जान दो जस्टिस का कार्ड क्लैरिफाई करें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखो ये दोनों का रिश्ता ना लीगल हो सकता है, किसी तरीके का लीगल या कोई तरीके का ऐसा खून का रिश्ता हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन दोनों के रिश्ते में ना किसी तरीके की बैलेंस की कमी है, बैलेंस कहीं ना कहीं डगमगा गया है इन दोनों के बीच में, इम्बैलेंस हो चुकी है सिचुएशन। और इस सिचुएशन में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि आप बीच में आ गए हो, जबकि ये आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही है। और दिक्कत पता है क्या है, एकमात्र दिक्कत जो मैं इन दोनों के बीच में देख पा रही हूँ वो प्रॉब्लम क्या है कि एक भी झुकने को तैयार नहीं है। हाँ आपके पर्सन बहुत सुनते हैं आपके ये जो थर्ड पार्टी है, लेकिन ये आपकी पर्सन ही भी हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब झुकने की बात है ना, कोई सॉरी बोल दे या कोई अपनी गलती माने और उस गलती को दोहराए नहीं, ऐसा इन दोनों में नहीं है। दोनों की फितरत ऐसी है कि दोनों ही गलती नहीं मानते, दोनों ही झुकते नहीं हैं, दोनों के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। एक दिन अगर कर भी लिया तो दूसरे दिन फिर बोलते ना वही पटका पटकी शुरू हो जाती है इन लोगों की नहीं पटती आपस में। और थर्ड पार्टी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम थर्ड पार्टी की ही है, उनको झुकना नहीं आता, इनको कंट्रोल करना आता है, इन्होंने सिर्फ हथियाना या बोलते ना दबाव डालना ही सीखा है। शायद इनकी लाइफ में कुछ ऐसा ही रहा है जिसमें इनको हर बार जीत मिली है, हर बार विक्ट्री मिली है, या हर चीज़ इनके लिए ऐसी हो चुकी है जिसमें इमोशंस की जरूरत नहीं पर ये चीज़ मुझे चाहिए। मतलब बोलता है ना कि एक अवार्ड है जो इनको जीतना ही है, ये जिद है, ये प्यार नहीं है। यहाँ पे प्यार मुझे कहीं भी आप लोग बता दो, यहाँ पर कुछ कप्स दिखे हो, मुझे कप्स भी नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, कहीं प्यार इमोशंस ही नहीं दिख रहे मुझे, इमोशन जीरो है। द लवर्स का कार्ड देखकर अगर आप बहुत ये हो रहे हो कि ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा चल रहा है तो भी मैं बता दूँ ये कनेक्शन लवर्स के कार्ड के लिए नहीं है, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज बहुत क्लियर है कि ये पर्सन से बहुत ज़्यादा शक किया जाता है और इनके ऊपर पूरा दबाव रहता है, ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मे बी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसलिए ये आपके पर्सन आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाती हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इस वक्त थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा ऐसी पोजिशन पर है जहाँ पर उनको भनक भी लग गई ना, उनको इतनी सी भी भनक लग गई ना कि आप उनकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व अभी भी हो या अभी भी उनकी आपने ज़िंदगी में कुछ ऐसा पोजीशन बनाया जहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वापस आपके पास आ गए हैं। कोई भी बोलते ना आप दोनों के मिलने का या रियूनियन का इनको भनक भी पड़ गई ना, सही बता रही हूँ आप लोगों को, आप बता नहीं कितने लोगों के लिए ये बोलते ना रिजोनेट करेगा, लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सच में बता रही हूँ, अगर इनको थोड़ी सी भी भनक पड़ी ना तो ये अपने रिश्ते के लिए ना जानबूझ के कुछ ऐसे पैदलबाजियाँ करेंगे जिससे फिर आपकी हार हो सकती है। क्यों हार होगी पता है? क्योंकि ये मैनिपुलेटिव इंसान है, जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, इनको नाच नचाना बहुत अच्छे से आता है। इनका प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये बहुत लाइटली जो बैठे हुए हैं ना, ये जो जिस तरह रूड बिहेव कर रहे हैं या इनके ध्यान नहीं देना या सिर्फ दबाव या कंट्रोल करना, वो ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त आप दूर दूर तक नहीं हो, लेकिन ये जैसे ही आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या पर्सन ही आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, पर्सन ही मैं लड़कियों को बोलती हूँ या वुमेंस को बोलती हूँ, आई होप आप लोग अगर न्यू हो तो इसलिए बता रही हूँ, तो जैसे ही आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इनको पता चल गया ना तो ये बहुत स्वीट स्वीट बन जाएंगे आपके पर्सन के सामने कि देखो मैं कितनी स्वीट हूँ या कितना स्वीट हूँ, देखो देवी देवता टाइप का हूँ मैं तो हमेशा बलिदान करने के लिए, मतलब हम दिल दे चुके सनम के ना ये अजय देवगन बन जाएंगे जानबूझ के कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी। और वो आपके पर्सन जो है ना वो गिल्ट में आ जाते हैं उसके बाद कि अरे 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 मैं कितना गलत हूँ, मैंने कितना रॉन्ग किया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो नहीं
पूरा पूरा साइकिल ही घुमा कर रख देते हैं ये आप थर्ड पार्टी आपके लिए, और आपको ये लगने लगता है कि ये पर्सन लगता है ये थर्ड पार्टी जो है ब्लैक मैजिक कर रही है। अरे ब्लैक मैजिक नहीं, इनके इनके अंदर वो कलाकारियां हैं जहां पर इनको ब्लैक मैजिक करने की जरूरत नहीं है, ये दिमाग को घुमाना मैनिपुलेट करना जानते हैं, और ये चालाकियां आप लोगों को भी सीखनी चाहिए, यहाँ पर आप लोगों की महारत होनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो पता है, मैं बताती हूँ प्रॉब्लम कहाँ से होती है। आप लोग हो जाते हो इम्पेशेंट, आप लोग इम्पेशेंट होकर रिएक्ट कर देते हो, फटाक से सामने वाले पर्सन को बोलना शुरू कर देते हो, अरे वो तेरे साथ ऐसा कर रही है, तुझे मैनिपुलेट कर रही है, तू उसकी बात सुनता है, तुझे आप नाराज हो जाते हो, आप अपना रिश्ता खराब कर देते हो, कट ऑफ करके निकल जाते हैं, और सामने वाला क्या जो थर्ड पार्टी वो विन विन सिचुएशन में, और वो क्या उनका ढोंग कैसे शुरू हो जाता है, अरे देखा मैंने कहा था ना वो कैसी है, मैं तो तुझसे कितना प्यार करती हूँ या कितना प्यार करता हूँ, तुझे तो पता ही है मैं तेरी कितनी केयर करता हूँ। 4 दिन केयर करेंगे आपके जाने के बाद, उसके बाद 5वें दिन आ जाएंगे अपनी लाइन पे, कोई केयर वेयर नहीं, क्योंकि उनको पड़ी नहीं है, उनको सिर्फ ऐसा है कि एक जिद है कि उनको ये चाहिए, वरना उनको कोई पड़ी नहीं है। ठीक है, कोई ब्लैक मैजिक नहीं है यहाँ पर। अब ये नहीं बोलना मुझे कमेंट बॉक्स में दीदी उस पर ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक के बारे में आप में से काफ़ी लोग कुछ जानते ही नहीं हो, काफ़ी लोगों ने तो सिर्फ मुझे रीडिंग्स में पर्सनल रीडिंग्स के दौरान ये लाइक क्वेश्चन के लिए डाला था कि क्या ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक मतलब बहुत आप लोग हल्के में ले रहे हो, ब्लैक मैजिक मतलब क्या होता है, वो बहुत पावरफुल एनर्जी होगी भाई। ब्लैक मैजिक में आपका बंदा आपका मतलब बोलते ना जो उनका हाल होता है, मतलब बहुत उसके बारे में मैं क्या ही समझाऊँ। ब्लैक मैजिक इतनी हल्की चीज़ नहीं है कि सिर्फ आप लोगों को घोस्ट कर दिया बात नहीं किया, नहीं बहुत कुछ होता है, बहुत घटित होती हैं चीज़ें, ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये दूर दूर तक सिर्फ मैनिपुलेशन है, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, दिमाग से खेल रहे हैं, नक्षत्र स्ट्रांग हो गए इसीलिए दिमाग से खेला जा रहा है, लेकिन होता है ना वक्त सबका आता है, घूम कर बाहर आता है, कर्मा काम करता है। ओवरऑल आउटकम में जहाँ पे मैं कार्ड देख पा रही हूँ, मुझे से दिखाई दे रहा है दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं और दोनों ने ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रखा है, बोलते हैं ना चलती का नाम, बोलते हैं ना घसीटे चले जा रहे हैं राह में, ज़बरदस्ती की नाव घसीट रहे हैं, मज़ा कुछ आ नहीं रहा है, हैप्पी कुछ है नहीं, ज़बरदस्ती की घसीटी चली जा रही है नाव में, देख लो ये भी उदास है ये भी उदास है, ना इनको नाव का चक्कू चलाने में कोई इंटरेस्ट है ना ये थर्ड पार्टी को, दोनों ही मज़े में बिल्कुल नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं टिक पाएंगे, अगर वेट किया तो डेफिनेटली ये इनके लाइफ से निकलने की तैयारी ज़रूर करेंगे, पर मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ये अपना बेनिफिट करवा कर ही निकलेंगे, इनको जो चाहिए वो मिलेगा इनको। ठीक है, थर्ड पार्टी को जो चाहिए, थर्ड पार्टी को अगर आपके पर्सन से पैसे चाहिए तो पैसे मिलेंगे, अगर थर्ड पार्टी को कोई दूसरा पर्सन मिलेगा तो वो चले जाएंगे, मतलब कोई बेनिफिट चाहिए, जो बेनिफिट मिलेगा तो ही ये रिश्ता एंड होगा। ठीक है, ये रिश्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ भी बचा नहीं, इस रिश्ते में प्यार ही नहीं है, प्रॉब्लम वही है, इस रिश्ते में दूर दूर तक मुझे प्यार नहीं दिखाई दे रहा, इस रिश्ते में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है इस रिश्ते को। ठीक है, एक्टिंग हो सकती है, कह सकते हैं एक्टिंग कर रहे हैं, दो एक्टर्स बैठ कर बस एक्टिंग कर रहे हैं कि देखो हम लोग कितने अच्छे हैं, बट कोई प्यार व्यार नहीं इनके अंदर, ये सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ, वेट, यूनिवर्स मुझे बताए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। होल्ड योर विजन, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, तो अपने विजन को कंट्रोल करो। मैंने आप लोगों को ना वीडियो के शुरू में ही क्या बताया कि मैं आप लोगों को एक उपाय बताऊंगी जिससे थर्ड पार्टी का थोड़ा पोजीशन जो है लो हो सकता है, वो क्या उपाय है, क्या आप लोगों को ये उम्मीद है मुझसे कि मैं कोई तांत्रिक के जैसा हुड़गम भुड़गम बताऊंगी और आप लोगों को बोलूंगी ये लो हो गया, नहीं, मैं आप लोगों को ना एक टेक्निक समझाती हूँ जो कि अगेन मैनिफेस्टेशन का ही टेक्निक है, और ये कार्ड्स वही चीज़ों को बोलते हैं ना इशारा भी करते हुए दिख रहे हैं। होल्ड योर विजन का मतलब ये है कि आप अपने जो नेगेटिव थॉट्स है उस पर कंट्रोल करो। ठीक है, उस पर कंट्रोल करो, नेगेटिव थॉट्स पे कैसे कंट्रोल करना है मतलब मैं बताती हूँ, क्या हो रहा है ना आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है कि थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या चल रहा होगा, उनके तो बहुत मज़े चल रहे हैं, थर्ड पार्टी तो बहुत मतलब बोलते ना हंस रही होगी या हंस रहा होगा, उसके तो बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, इन लोगों के लिए फिजिकल इंटीमेसीज हो रही होंगी, या अगर माता पिता हैं तो यार ये तो आपका जो बंदा है या बंदी है श्रवण कुमार टाइप बन चुके होंगे, वो तो बिल्कुल मेरे को पूछेंगे ही नहीं, उनको क्या पड़ी है वो तो मुझे देख ही नहीं रहे। आप लोग पता है अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैं बता देती हूँ ये पूरा रॉन्ग टेक्निक चला जा रहा है, पता है पूरा रॉन्ग, क्योंकि आप लोग 24 घंटे यही सोच रहे हो ना थर्ड पार्टी का क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी की डीपी देखने में इंटरेस्टेड हो, स्टॉक करने में इंटरेस्टेड हो, थर्ड पार्टी की ज़िंदगी में क्या चल, अरे क्यों देखना है उसे, जब तक याद करोगे ना थर्ड पार्टी, जितना याद करोगे अपने दिमाग में, जितना वो माइंडसेट बना कर रखोगे कि थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी, जितना सोचोगे जितना उसको स्टॉक करोगे उतना आपकी लाइफ में आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगी,
क्योंकि आप लोगों ने मान लिया है, आपका दिल मान चुका है, आप लोगों ने बिलीव कर लिया है कि आपके पर्सन और उनका रिश्ता अच्छा जा रहा है, आपने बिलीव कर लिया इस बात पे, तो वो चीज़ इसलिए आपके लिए काम ही नहीं कर रही। आपके पर्सन ही आपको पूछ ही नहीं रहे रिटर्न में आकर। क्यों पूछेंगे? क्योंकि सच में आपने वो एनर्जीज पास ऑन कर दी है ना यूनिवर्स को कि भाई ठीक है, हाँ वो लोग खुश हैं एक साथ और मैं यहाँ पर दुखी हूँ, तो वाकई वही हो रहा है, आप दुखी हो और वो खुश हैं। ठीक है, तो एनर्जीज को एक्सचेंज करो, मन में ये मानो ही मत, मतलब सोचो ही मत कि थर्ड पार्टी की इतनी कोई वैल्यू है। थर्ड पार्टी को इनका नंबर या तो अपने पास से मत रखो कि कोई आप डीपी देखो या स्टॉक कर सको या कम्युनिकेशन किसी तरीके की हो सके, और या तो इस तरीके से रहो कि भाई उनके बारे में दूर दूर तक मत सोचो, अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा सोचो। आप दोनों का रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है, आप दोनों खुश हैं साथ में, ये हमेशा सोचो कि आपके पर्सन आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके अलावा और किसी से नहीं करते। ये सोच, ये पॉजिटिविटी मेंटेन करो, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो चीज़ आपको आज इम्पॉसिबल लग रही है ना, दिल का कोई कोना होता है ना कि कहीं कहीं आपको लग रहा है कि यार इम्पॉसिबल है, ये तो होगा ही नहीं, ये चीज़ मेरे लिए नहीं होगी, इम्पॉसिबल ही आई एम पॉसिबल में कन्वर्ट होती है। बस आप लोगों को उसका टेक्निक सीखना है। पता है कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं आप लोगों से। आप क्या करते हो ना कि बार बार क्वेश्चन करते हो, जैसे कि कुछ लोग मैं बता रही हूँ ना, जिसमें मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज आ रहा है कि बार बार दीदी थर्ड पार्टी और उनके बीच में चल रहा है, क्या चल रहा है। क्यों जानना है यार थर्ड पार्टी और उनके बीच में चल क्या रहा है, क्यों जानना है आप लोगों को, अपना दिल क्यों दुखाना है आप लोगों को। अभी तो ठीक है, चलो अभी रीडिंग ऐसी आई जिसमें आपको थोड़ा संतुष्ट मिल गया, लेकिन क्यों सुनना है? कभी कभी जब अच्छा आ गया सब कुछ तो फिर क्या करोगे, फिर माइंड को अपने मना पाओगे? आप लोग सिंपल से सोच के देखते हो कि आप लोगों का माइंड आप लोग कितना वो डैमेज करोगे, उसके बाद दिन रात क्या करोगे, फिर एंजाइटी, फिर वही डिप्रेसिव एनर्जी में चले जाओगे कि अरे यार उनके वाकई मजे चल रहे, सपने में भी पता चला वही सब सोच रहे। तो इसीलिए थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी से ना क्रॉस मार दो, चौकड़ी मार दो, और उनके बारे में ज़्यादा मत सोचा करो। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी एग्जिस्ट भी करती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, ये एग्जिस्ट करते भी हैं, इसके बारे में आपको कम्प्लीटली भूल जाना है। ओके, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, होल्ड योर विजन, ये आपसे यही कहते हैं एडवाइस कार्ड्स कि अपने आप को कंट्रोल करो, अपने विजन्स को कंट्रोल करो, बिना वजह खुद को स्ट्रेस मत दो, बिना वजह वो चीज़ें मत क्रिएट करो जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, मतलब बिना वजह की क्रिएशन मत करो, अपने रिश्ते और आपके पार्टनर के रिश्ते पे फोकस करो, तो ये चीज़ आपके लिए बेहतर काम करेगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल सकी है, आप लोगों को समझ में आया क्या समझाने की मैंने कोशिश की। इसके बारे में ना थोड़ी रिसर्च करो, मैनिफेस्टेशन किस तरह काम करता है, कोई चीज़ कैसे वर्क करती है। हमेशा बोलते ना, सिर्फ कमेंट करके बात नहीं बनेगी। ठीक है, आप लोग में से काफ़ी लोग क्या है, कमेंट कर देते हो, दीदी इसका क्या मतलब, उसका मतलब क्या है। मेरा ये हमेशा कहना है कि खुद की रिसर्च करो, थोड़ा खुद रिसर्च करो। ठीक है, ज़रूरी नहीं ना अब मैं कब वीडियो बनाऊंगी, मुझे कब, बोलते ना कब जाके फुर्सत मिलेगी, कब जाके तो आप लोगों को वो आइडिया, वो टाइम मिलेगा जब आप लोगों को वीडियोज़ देख पाओगे, तब तक वेट तो नहीं कर सकते ना। इसीलिए YouTube पे या तो रिसर्च करो, Google पे रिसर्च करो, बुक्स मंगाओ, स्टडी करो, Google में से निकालो ऐसी कौन सी बुक्स है जो आपको टेक्निक सिखा सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को लर्न करो, और बहुत सारी चीज़ों में शॉर्टकट मत ढूंढो, रूटीन बनाओ। ये मत सोचो कि कल के कल ही, मतलब आज हमने मांगा और कल के कल, बोलते ना भगवान हमारी थाली में आकर सब कुछ दे देगा, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है प्रोसेस में। और मैं बताती हूँ, सबसे सक्सेसफुल इंसान वही है, सबसे खुशनसीब इंसान वही है, सबसे पॉजिटिव इंसान वही है जिसकी ज़िंदगी में आप देखोगे ना बहुत सारी खुशियां हैं। सबसे बोलते ना खुशनसीब और खुश इंसान वही है जिसके अंदर सब्र है, पेशेंस है। जो पेशेंस रख पाया, जिसके अंदर सब्र आ गया ना, वो दुनिया जीत सकता है, इतनी ताकत होती है उसमें। तो अपने पेशेंस को ना डगमगाने मत दिया करो। ये चार दिन में जो आप लोग फेल हो जाते हो ना कि नहीं दीदी वो नहीं आया, अरे क्या हो गया, सबर इतनी जल्दी छोड़ दिया? तो वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, सबर का फल वाकई मीठा होता है, बस आप लोगों को उस बात पे विश्वास करना होगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये मत बोल देना, क्योंकि आप काफ़ी लोग ऐसे हैं, दीदी मैं तो 5 साल से सबर कर रही हूँ। बट 5 साल से क्या कर रहे हो ना, 5 साल से क्या सबर कर रहे हो, मुझे ये जानना है। वैसे भी वीडियो खत्म हो चुकी है, अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग भले स्किप कर सकते हो वीडियो, ठीक है, या छोड़ सकते हो। अगर आप लोग 5 साल से वेट कर रहे हो, या 4 साल से वेट कर रहे हो, 10 साल से वेट कर रहे हो, एक साल से वेट कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा कि 1 साल या 5 साल हो चुका है, अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, या कोई ऐसी चीज़ होगी हमसे गलत हुई है, या यूनिवर्स को हमने कोई गलत मैसेज दिया है, या हमसे कुछ बोलते ना मैनिफेस्टेशन में गलतियाँ हुई है, या कोई टेक्निक हमको सीखने की ज़रूरत है जिससे हम उस चीज़ को प्राप्त कर सके। कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, 5 साल से बैठे हुए हो वेट पोजीशन में, वेट ही तो नहीं करना है। कितनी बार मैंने समझाया वेट मत करो, आपको अपनी ज़िंदगी में फोकस रखना है। अपनी ज़िंदगी में फोकस रखोगे और वो मान लोगे कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है, तो वो चीज़ आप ही की होगी। लेकिन वही मान लोगे कि वो चीज़ किसी और को मिल चुकी है, वो चीज़ उसकी हो गई है, वो लोग खुश हैं, वो चीज़ आपकी कभी नहीं होगी।
ठीक है, ये चीज को मैंने उदाहरण के रूप में कहा है, आपके पर्सन या पर्सनी को मैंने चीज नहीं कहा, ओके समझ, मतलब उम्मीद है कि आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा, ठीक है। सो इतने सारे भाषण के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी, एंड दिल से यार बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आप सभी से, मेरे सारे व्यूअर्स को मैं दिल से प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलते ना धन्यवाद बोलती हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है हमेशा मुझे, हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत प्यार मिला है मुझे, इसलिए मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइड करूँ, कोई ना कोई टेक्निक समझाऊँ और कोई चीज़ में आप लोगों को बोलते ना एक राह दिखा सकूँ, डायरेक्शन दे सकूँ, ठीक है। सो अगर मेरी बात कहीं ना कहीं बुरी लग जाती है या चुप जाती है तो उसके लिए मैं दिल से सॉरी भी बोलती हूँ, ठीक है। इसी तरह प्यार देते रहो, और चैनल अगर आप लोगों को पसंद आता है तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, ठीक है, ज़रूरी नहीं, मैं फोर्स नहीं करती, लेकिन पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो ताकि आप लोगों को वीडियो का अपडेट मिल सके, ठीक है। और उसके अलावा अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है जिसके चार्जेस लागू होते हैं, मैं बता देती हूँ फ्री रीडिंग्स नहीं होती, पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे दिया है, अब व्हाट्सएप करें कॉल ना करें, ठीक है। व्हाट्सएप करने पे आपको कोटेशन दे दिया जाता है और बता दिया जाता है क्या क्या चार्जेस है। जिन लोगों को फ्री रीडिंग्स में इंटरेस्टेड है मैं उनके लिए लाइव जरूर आऊंगी, जब जब टाइम मिलेगा मैं लाइव आऊंगी, जितने लोगों को जवाब दे सके दूंगी, और उसके बाद फिर अगर आप लोगों का नंबर नहीं लगा तो आप नेक्स्ट टाइम फिर से लाइव पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा ब्रेसलेट बनाना है, अपने माइंडसेट को बोलते ना ठंडा रखना है, शांत रखना है, अपने अंदर सबर बहुत लाना है, तो आप लोग जो है डीलर का नंबर मैंने वीडियो के बीच में भी डाल दिया है बहुत लोगों के लिए, और ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रिफ्लेक्ट कर दिया है, डीलर को कॉन्टैक्ट करके आप अपने लिए बनवा सकते हैं, ट्रस्ट मी बहुत फ़ायदा करेगा ये आप लोगों के लिए। सिर्फ बेचने के लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ कि बेच लो ये लो, इससे कसम से मेरा एक रुपया भी मुझे नहीं मिलता है सीरियसली, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की आपको कहीं ना कहीं मदद हो सके, इसलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। जो अमेज़ॉन मिंत्रा वगैरह पे मिल रहा है, जो बाकी साइट्स पे मिल रहा है, वो नकली है, मैंने चेक किया है बाकायदा, उसके पीसेस आप लोग चेक करोगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि वो नकली होते हैं, ठीक है, वो सही जेन्युइन नहीं होते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करती रहती हूँ कि यहाँ से करो, मैंने चेक किया था इसलिए बताया था। और भी अगर जैसे मुझे कुछ मिल जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। बीच में आपको याद होगा मैंने यूट्यूब का भी एक चैनल शेयर किया था कि यार यहाँ पर ट्राई करो, इसको आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो अगर कुछ शेयर करते हो तो ये मत सोचा करो पेड प्रमोशन है या पैसे मिल रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं, आप लोगों के भले के लिए बस बता देती हूँ, करना ना करना ये आपकी चॉइस रहती है, ठीक है। सो चलती हूँ मैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया है, शेयर ज़रूर करो अगर लगता है किसी को मदद की ज़रूरत है, और यस मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग मुझसे क्या शेयर करना चाहते हो, कौन सी ऐसी बात है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप मुझसे बोलना चाहते हो, मैं आप लोगों के कमेंट्स हर बार पढ़ती हूँ, और ज़रूर शेयर करो, मुझे लगेगा कि जहाँ इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी, वरना मैं मस्त वाला लाइक ज़रूर चिपकाती हूँ आप लोगों के कमेंट्स पे, आप देखा करो, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।